नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इन अवर चैनल। मरते दम तक नहीं होगा कमर और बदन दर्द, कभी नहीं झड़ेंगे बाल, चेहरे पर आएगी चमक, 70 की उम्र में भी 25 का असर दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष एक ऐसी जानकारी शेयर कर रहा हूँ जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये निर्गुंडी जड़ी बूटी के पत्ते हैं। जी हाँ दोस्तों, निर्गुंडी को तो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम होते हैं। आम भाषा में इसे संभालो और संदूआर तथा निर्गुंडी से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम फाइव लीव्ड चेस्टनट ट्री और वैज्ञानिक नाम वाइटेक्स निर्गुंडो है। आपके क्षेत्र में निर्गुंडी को किस नाम से जानते हैं ये आप बता सकते हैं। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है कि निर्गुंडी शरीरम रक्षति रोगेभ्यः तस्माद् निर्गुंडी, अर्थात जो शरीर के रोगों से रक्षा करे वह निर्गुंडी कहलाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको निर्गुंडी से होने वाले फायदे के बारे में बता रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देख के ध्यान से सुने। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। टाइफॉइड, जिन लोगों को टाइफॉइड की बीमारी हो जाती है इनके लिए भी निर्गुंडी के पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके पत्तों का ताज़ा रस निकालकर रोजाना पिलाने से कुछ ही दिनों में टाइफॉइड खत्म होता है। इसके अलावा इसके पत्तों को सुखाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी टाइफॉइड की बीमारी में ज़बरदस्त फायदा होता है। दोस्तों, कमर घुटने और जोड़ों के दर्द की समस्या आज आम हो चुकी है। हर घर में किसी न किसी सदस्य को ये बीमारी होती ही है। दोस्तों, इस बीमारी में आदमी को चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। आजकल तो 50 की उम्र के बाद ये समस्या हर किसी को हो सकती है। ये समस्या होने के कई कारण हो सकते हैं, हड्डियों की कमज़ोर हो जाना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आज हम इसका सही इलाज आपको बताएंगे। जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, अगर आप स्वयं इस बीमारी से परेशान हो या आपके घर के किसी सदस्य को ये परेशान है, तो इसमें आप निर्गुंडी के ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से सांव में सुखाकर पाउडर बनाएं और आधा से एक चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी ताजी पत्तियों को साफ करके पानी मिलाकर सिलबट्टे पर पीस लीजिए और कपड़े से छानकर इसका ताज़ा रस निकालें और उस रस को 1 से 2 चम्मच की मात्रा में पानी के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट पी जाए। अगर दर्द ज़्यादा रहता हो तो दिन में 2 बार भी ये प्रयोग कर सकते हैं, सुबह और शाम। दोस्तों, इसका दूसरा प्रयोग भी ज़बरदस्त है, बेहतरीन प्रयोग है इसका। चावल तो सभी लोग खाते हैं, बनाते हैं, तो आपको क्या करना है कि निर्गुंडे के ताजे पत्तों की एक पोटली बना लेनी है सूती कपड़े में, और जब आप चावल बनाते हैं तब उसके साथ मिला लेनी है। चावलों के साथ पकने देना है। जब चावल पूरी तरह से पक जाए तब पोटली को निकालें। अब जिन व्यक्ति को भी घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो, ये चावल 1 सप्ताह तक खिलाते रहे। ये प्रयोग 8 से 10 दिनों तक लगातार करते रहने से किसी भी प्रकार का घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो या किसी भी प्रकार का हड्डियों का दर्द हो दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, निर्गुंडी गर्म प्रकृति होती है, इसलिए बवासीर के जो मरीज हैं इनको ये प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ये प्रयोग नहीं कराना है। दोस्तों, इसकी ताजी पत्तियों का सेवन करने से भी फायदा होता है, या इसके पत्तों को सुखाकर पानी में उबालकर क्वाथ बनाकर भी आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, सभी प्रकार के वात रोगों में निर्गुंडी बेहद फायदेमंद होती है। सूती का वात में इसका प्रयोग हम जान लेते हैं, अश्वगंधा, सौंठ, मेथी, इन सब औषधियों को समान मात्रा में लेकर उतना ही निर्गुंडी के पत्ते मिलाए। अब इससे भी आधा नागरमोथा मिलाकर अच्छी तरह से कूट पीच कर पाउडर जैसा बना ले। अब इस तैयार हुए पाउडर को सुबह शाम खाली पेट रोजाना 1-1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ पीते रहिए। इसके लगातार 8 से 10 दिनों के प्रयोग से ही सूती का वात खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या वात रोग,
सभी में निर्गुंडी के पत्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए करना ये है कि निर्गुंडी के ताजे पत्तों को लाए, सिलबट्टे पर पीसे और अच्छी तरह से पीछकर एक सूती कपड़े में निचोड़कर रस निकालें। अब एक कढ़ाई में आप अरंडी तेल को लेकर उस रस को मिला दीजिए और धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाते रहिए। जब सारा रस जल जाए और तेल मात्र ही शेष रहे तब छान कर एक बोतल में भरकर रखें। अब इस तेल से आप घुटनों की रोजाना मालिश करें, कमर पर मालिश करें तो सभी प्रकार के दर्द ठीक होते हैं। जिनके बाल झड़ रहे हो, सिर पर गंज आ गई हो और बालों का ग्रोथ भी न बढ़ता हो तो ऐसे में इस तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। इस तेल की मालिश करने से डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और बालों का ग्रोथ बढ़ेगा। जो लोग 50 की उम्र बिता चुके हैं और अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जिनके जीवन में निराशा छा गई हो, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बीता हुआ यौवन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस जड़ी बूटी के प्रयोग उस समय को आप फिर से महसूस करेंगे। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से 30 साल जैसे नौजवान वाली स्फूर्ति आपके शरीर में आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है आप ध्यान से सुने। इसके लिए बड़ा आसान प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। सौंठ, सतावर और गोरखमुंडी, इन तीनों औषधियों को 100-100 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए। उसके साथ 150 ग्राम की मात्रा में भांग की पत्तियों को भी मिला लीजिए। अब ये दवाई बनेगी 450 ग्राम। अब उससे दुगनी मिश्री मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करके एक एक चम्मच की मात्रा में रोजाना गर्म दूध के साथ पिए। ये दवाई कामोत्तेजना बढ़ाती है, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को दूर भगाती है, जीवन में उजाला फैल जाता है। दोस्तों, इस दवाई का सेवन करते रहने से 60 की उम्र में भी आप कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। अगर आपको या आपके घर में किसी परिवार को बालों के संबंधी समस्या है, बाल झड़ गए हो, डैंड्रफ की समस्या हो या फंगल इन्फेक्शन हो, जिनके बाल ऑलरेडी पूरी तरह से झड़ चुके हैं, तो दोबारा लाने के लिए ये निर्गुंडी के पत्ते बेहद फायदेमंद है। इसके लिए निर्गुंडी के ताजे पत्तों को सिलबट्टे पर या पत्थर पर पीसकर कपड़े से निचोड़कर इसका रस निकाल लेना है और इसके साथ जो हम पूजा में उपयोग करते हैं उस नारियल को लेना है, सूखा नारियल, और जला लेना है। अब उस जले हुए नारियल के कोयले को आप पीसकर एक पाउडर बनाए। इस पाउडर को निर्गुंडी के पत्तों के रस के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और इसके साथ नारियल का तेल मिलाकर गुनगुना करके एक पेस्ट तैयार करके बालों की जड़ों में लगाते रहें। इस प्रयोग को रोजाना करने से बाल संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। गंजापन का शिकार हुए लोग ये प्रयोग जरूर आजमाएं। दोस्तों, 100 में से कम 20 लोगों के बाल नए आएंगे तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रकार की समस्याओं का इलाज बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी व्यक्ति इसको आजमाता है, इसे निश्चित ही किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और महंगी दवाइयों का खर्चा बच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।